नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज डीबीएस महाविश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाली परीक्षा को स्थगित करने तथा तिथि को आगे बढ़ाने हेतु ज्ञापन दिया। धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया 22 जनवरी को अवकाश का आदेश। सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि परिसर में प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। योगी सरकार ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिससे गत प्रदेश में मीट मछली और शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। मौसम का बदलता मिजाज, छाया चारों और घना कोहरा, वाहन चालकों के लिए चुनौती। गोंडा में ट्रक में लगी भीषण आग, आधा आधा किलोमीटर तक हवा में उड़ते सिलेंडर। इमेली बाबा 31 साल बाद अन्न ग्रहण करेंगे, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ली थी भीष्म प्रतीक्षा। मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट, हरिद्वार और उधम सिंह मैदानी जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जो कि आज और कल बनी रहेगी। 21-22 जनवरी के बाद ही इसमें कुछ कमी आने की संभावना है। विक्रम सिंह मौसम विभाग निदेशक ने आम जनमानस से की अपील कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से अक्सर गाड़ियों के स्लिप होने का खतरा रहता है, साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होना दुर्घटना का कारण बनता है, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी बरतें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन देहरादून में निकलेगी शोभा यात्रा, देहरादून पुलिस ने नया रूट प्लान किया जारी। भारत चीन सीमा में जोड़ने वाला स्टील गार्डन पुल का रक्षा मंत्री राजनाथ ने उद्घाटन कर देश को समर्पित किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।